होता है तो सत्ता में सबसे ज़्यादा डर विपक्ष को है कि पहली बार जो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार रही है उसने 75% से ऊपर जो धन का आवंटन है वो किसानों के लिए कृषक के आधार पर उनके आमदनी को दोगुना बढ़ाने के लिए किया है। आज किसानों के घर घर बिजली पहुंच गई है, घर घर आज शौचालय का निर्माण हो गया है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कों का, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से वहाँ पर मकानों का, और इन सब से अलग हटकर अगर देखें तो समर्थन मूल्य 1.5 गुना, उनका भुगतान आपदा में तत्कालिक भुगतान, ये ऐसी चीज़ें हुई हैं जो किसानों के लिए इससे बड़ा हितकर कोई काम नहीं हो सकता था। ये घबराहट का काम है सपा बसपा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का, इसलिए वो किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों का हुजूम इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन आम किसान खुशहाल है। अब नजदीक में गोत्र और जाति की लड़ाई चलने लगी है, राहुल गांधी अपने गोत्र को बता रहे हैं और चीजें इस तरह से आ रही हैं। इलाहाबाद में था तो मैंने वहाँ आदरणीय फिरोज गांधी साहब का स्मरण लोगों ने किया, उनके उस पर उनके दादाजी थे। मैं समझता हूँ कि इस गोत्र को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गोत्र किसका क्या है, व्यक्ति का स्वभाव ही उसका जाति है, व्यक्ति का स्वभाव ही उसका धर्म है, और किसके कौन दादा थे, कौन पिता थे, कौन परदादा थे, कौन दादी थी, ये कथन मैं समझता हूँ मिथ्या है। आज अचानक से गोत्र की याद सर कहाँ से आ गई? चुनाव में गोत्र की भी याद आएगी, जनेऊ की भी याद आएगी, उल्टे हाथ से आरती की भी याद आएगी, बम बम भोले भी याद आएंगे, मानसरोवर का जल भी याद आएगा, और उसके आने के बाद जिसे चुनाव हटेगा 25 दिसंबर का स्विट्जरलैंड और 1 तारीख का जो नया वर्ष है हैप्पी न्यू ईयर वो इटली का मनने का क्रम फिर से जारी हो जाएगा। देखिए, राम जी का नाम आस्था से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में कोई ना तो कवायद के बारे में कोई शंका है और ना ही किसी अन्य चीज़ पे। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पष्ट स्टैंड क्लियर कर रखा है और आज भी उसी स्टैंड पे कायम है। आप चिंता ना करिए, प्रभु राम जो भी चाहते करा लेते हैं।